नमस्कार दोस्तों, इंडोनेशिया के वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि उन्हें गहरे समुद्र में रहने वाले सबसे बड़े क्रस्टेशियंस में से एक मिला है। ये एक बहुत बड़े कॉकरोच जैसा है। दोस्तों, नया जीव जीनस बैथिनोमस प्रजाति का है, जो गहरे समुद्र में रहते हैं। ये किसी लकड़ी के पट्टे की तरह मजबूत और सपाट होते हैं। दोस्तों, ये कॉकरोच सुंडा की खाड़ी में पाए जाते हैं, जो इंडोनेशियाई द्वीप जावा और सुमात्रा के बीच में है। ये हिंद महासागर में समुद्र तल से 957 मीटर से 1259 मीटर के बीच में पाए गए हैं। आमतौर पर 33 सेंटीमीटर तक के इन जीवों को सुपर जायंट कहा जाता है। कुछ जीव 50 सेंटीमीटर के भी होते हैं। दुनिया में सुपर जायंट आइसोपोड्स की केवल 7 ज्ञात प्रजातियां हैं। ये पहली बार है कि इस प्रजाति का कोई जीव इंडोनेशिया के गहरे समुद्र में मिला है। जानवरों के जानकार काहियो रहमादी के मुताबिक, यह खोज संकेत देता है कि इंडोनेशिया की जैव विविधता के बारे में कई बातें अभी तक हमें नहीं पता है। लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के मुताबिक, आइसोपोड के बड़े होने के पीछे कई सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत यह है कि ऐसे जीव अपने अंदर बहुत ऑक्सीजन भर लेते हैं, जिससे इनका शरीर और पैर बड़े हो जाते हैं। दूसरा सिद्धांत यह है कि ये समुद्र के बहुत नीचे रहते हैं, इसलिए बिना खतरे के बड़े हो जाते हैं। इसके अलावा इनके शरीर में मांस कम होता है, इसलिए इनके शिकार का खतरा भी कम हो जाता है। बैथिनोमस के पास लंबे एंटीने और बड़े आंख भी होते हैं, ताकि वो रात में अच्छे से देख सकें। लेकिन ये देखने में जितने खतरनाक होते हैं, वास्तव में उतने खतरनाक नहीं होते। अपने खाने के लिए ये समुद्र के नीचे पाए जाने वाले मरे हुए जानवरों पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया की सरकारी संस्था लिपी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और ली कोंग चियान प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ने मिलकर ये खोज की है। 2018 में 2 सप्ताह चले अभियान के दौरान इस टीम ने 63 अलग अलग जगहों पर शोध किया था और 1 दर्जन से अधिक नई प्रजातियों की पहचान की थी। टीम के मुताबिक उन्हें एक नर और एक मादा बैथिनोमस मिले हैं, जिनकी लंबाई 36.3 सेंटीमीटर और 29.8 सेंटीमीटर है। इसके अलावा सुंडा की खाड़ी और दक्षिणी जावा के जल से युवा बैथिनोमस के 4 बच्चे भी मिले हैं। हालांकि उनकी प्रजातियों की पहचान अभी मुश्किल है, क्योंकि उन्हें परिभाषित करने वाली विशेषताएं अभी तक विकसित नहीं हुई हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।